बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बेहद ही अजीब गरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला अपनी एक साल की बेटी को गोद में लेकर थाने पहुंची और यहाँ उसने आरोप लगाया कि उसका पति अपनी 12 साल की साली को लेकर फरार हो गया है और उनको ढूंढने के लिए निकली उसकी माँ, उसके ससुर यानी अपने समधी के साथ ही फरार हो गई। अब पीड़ित महिला ने अपने पति और अपनी माँ के खिलाफ कार्यवाही कर इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल फरीदपुर गाँव की रहने वाली सुधा ने बताया की उसकी शादी बोहचहा थाना क्षेत्र के भगवानपुर के रहने वाले बिराजी भगत के 22 साल के बेटे छोटू कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद वह और छोटू खुशी से रह रहे थे। हमारी एक साल की बेटी मिष्टी भी हुई। इसी बीच मेरी 12 साल की छोटी बहन से छोटू की फोन पर बातचीत शुरू हो गई। ये बातचीत कब प्यार में बदली पता नहीं चला और फिर उसके साथ पति का व्यवहार बदल गया। मुझसे दूर रहने का वह हर संभव प्रयास करने लगा और इसी बीच 3 जून को छोटू मेरी छोटी बहन घर से भाग गए। इन दोनों ने मुजफ्फरपुर स्टेशन पर शादी कर ली और वहाँ से दिल्ली चले गए। सुधा ने आगे बताया कि इसके बाद वह मायके आ गई और पूरी घटना अपनी माँ फूल कुमारी को बताई। 5 जून को माँ फूल कुमारी ने उससे कहा कि तुम्हारे ससुराल जाकर दोनों के बारे में पता करती हूँ। सुधा ने माँ से कहा कि मैं भी चलती हूँ, पर माँ ने इस बात से इनकार कर दिया। इसके बाद माँ अकेले ही उसकी ससुराल पहुँच गई और फिर वापस लौट कर घर नहीं आई और कुछ दिनों बाद पता चला कि माँ ससुर बिराजी भगत के साथ गांव से फरार हो गई है। ये दोनों भी दिल्ली में ही रह रहे हैं। इस घटना के बाद से सुधा के पिता उससे बात नहीं करते हैं। वही बाद में पता चला कि छोटू और छोटी बहन की शादी कराने में उसकी माँ का ही हाथ है। उसने छोटू को 2000 रुपए देकर उसकी मदद भी की है। सुधा ने बताया कि उसकी माँ से उसकी बात नहीं हो पाती है, उसने अपना सिम कार्ड तोड़ कर फेंक दिया है। सुधा ने इसकी सूचना 9 जून को लिखित आवेदन में पुलिस को दी, लेकिन पुलिस इस मामले में अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। इधर सकरा थाना इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि महिला ने आवेदन दिया है, इसके आधार पर जांच चल रही है और महिला के पति और उसकी मां की भी तलाश की जा रही है।